गणपति पप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। आज अनंत चतुर्दशी और आज सारे गणपति का विसर्जन होगा, तो उसके लिए सब लोग बहुत खुश हैं। गणपति को नाश्ते गाते सब अच्छे से लेके जाएंगे, गणपति को उनके घर भेजेंगे। पर गाइस, ये सार्वजनिक गणपति आज सारे विसर्जन होंगे, तो लोकमान्य तिलक ने सोचा था कि आज़ादी के वक्त सब जमा नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि गणपति, एक गणपति का ऐसे सार्वजनिक गणपति का चालू करते हैं। तो उस बहाने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, तो उस टाइम से सार्वजनिक गणपति की प्रथा चालू हो गई है। ये सब तो सब आप जानते ही हो, और शाम को बहुत मज़ा आने वाली है। आज सार्वजनिक गणपति में सारे गणपति जाएंगे तो धूम मचेगी, नाच गाना गरबा सब चालू रह जाएगा। और जब महाभारत लिख के गणपति जी थक गए थे, तो उन्होंने फिर ये उनकी उनको आराम मिले इसलिए सबने उनकी आक्ता स्वक्ता की थी, और तब से ये प्रथा चालू हो गई है कि गणपति को हम लाते हैं 10 दिन तक सार्वजनिक रूप में, और उनकी बहुत सेवा करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं उस दिनों में, गणपति जी को एंटरटेन करते हैं, और तब से ये सब चल रहा है। गाइस, कोई कोई जगह पे अभी भी ना एक गांव एक गणपति है, जहाँ पूरे गांव का सिर्फ एक ही गणपति रहता है, और सब लोग शाम को रात को दोपहर की आरती में सब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और बहुत मजे लूटते हैं, तो ताकि सारे गाँव वाले सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और सब लोग ऐसे अच्छे से मतलब एंजॉय करते हैं और भाईचारा बना रहे, इसीलिए गणपति का सार्वजनिक गणपति की शुरुआत हुई है। तो गाइस चलिए, वो सब तो है बाद की बातें, लेकिन हम तो एंजॉय करते हैं, बस नाचते गाते हैं मजे करते हैं। तो इस सार्वजनिक आज विसर्जन होगा सार्वजनिक गणपति का, तो वो सारा मैं शूट करके आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे गणपति आ रहे हैं बड़े बड़े, और आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो गाइस, गणपति पप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। मेरी गणपति पप्पा से एक ही मनोकामना है कि पूरा साल बहुत अच्छे से जाए, मेरा और आप सभी का बहुत अच्छा जाए पूरा साल, और अगले साल गणपति जी और खुशियां लेके आए।
पानी।